बॉलीवुड हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री, जब कोई जाना पहचाना चेहरा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसका सदमा कई दिनों तक रहता है। हाल ही में कन्नड़ा एक्टर विजय राघवेंद्र की पत्नी स्पंदना का कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया था, जिसके बाद कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में काफी दुख देखने को मिला। ऐसे में आज हम आपको कन्नड़ा एक्टर विजय राघवेंद्र और उनकी पत्नी स्पंदना की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो काफी दिलचस्प है। हालांकि स्पंदना के अचानक निधन की खबर फैंस के लिए एक बड़ा झटका भी है। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर विजय राघवेंद्र को चिन्नारी मुथा के नाम से जाना जाता है। विजय ने फिल्मों और टेलीविजन दोनों में काम किया है। एक्टिंग के अलावा वो एक गायक भी हैं और हाल के सालों में उन्होंने कई हिट गाने दिए हैं। राघवेंद्र की शादी स्पंदना से हुई और उनका एक बेटा है जिसका नाम शौर्य है। हालांकि 7 अगस्त 2023 को विजय की पत्नी स्पंदना का 41 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया था। स्पंदना के अचानक निधन से उनके पति विजय राघवेंद्र और उनके बेटे शौर्य पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। ये दुखद घटना तब घटी जब स्पंदना अपने चचेरे भाइयों के साथ बैंकॉक में छुट्टियां मना रही थीं। स्पंदना और विजय कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते कपल्स में से एक थे। दोनों की केमिस्ट्री की काफी तारीफ भी होती थी। हालांकि उनकी लव स्टोरी से जुड़ी अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे लोग अनजान हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। एक बार शो वीकेंड में एक बातचीत में विजय राघवेंद्र और उनकी पत्नी स्पंदना ने अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलकर बात की थी। कपल ने शेयर किया था कि उनकी शादी एक अरेंज मैरिज थी। हालांकि विजय ने यह भी खुलासा किया था कि उनके लिए ये पहली नजर का प्यार था। उन्होंने कहा था कि वो एक कॉफी मीटिंग में स्पंदना से मिले थे और उनसे प्यार हो गया था। हालांकि कुछ समय के बाद वो एक बार फिर कॉफी डेट पर मिले और इस बार उन्होंने मौका पाकर उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। स्पंदना ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार को अपनी शादी के फैसले के बारे में बताया था। दोनों के परिवारों की सहमति से विजय और स्पंदना ने 26 अगस्त 2007 को एक पारंपरिक विवाह समारोह में शादी कर ली थी। अपनी शादी के बाद विजय और स्पंदना अक्सर अपनी मैरिड लाइफ की खुशनुमा तस्वीरें शेयर करते रहते थे। इतना ही नहीं, स्पंदना ने अपने पति के साथ अवार्ड फंक्शंस और फिल्म इवेंट में भी जाने लगी थी। धीरे धीरे वो सैंडलवुड में सबसे पसंदीदा जोड़ों में से एक बन गए थे। अपनी शादी के कुछ सालों के बाद 2010 में विजय राघवेंद्र और स्पंदना पहली बार माता पिता बने और बेटे शौर्य का वेलकम किया। विजय राघवेंद्र अपने बेटे के साथ रहने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक्टर का इंस्टाग्राम हैंडल उनके बेटे संग प्यारी तस्वीरों से भरा पड़ा है। फिलहाल दोनों के प्यार को शायद किसी की नजर लग गई और अब दोनों जुदा हो गए। आपको बता दें कि 26 अगस्त 2023 को उनकी शादी की 16वीं सालगिरह से कुछ हफ्ते पहले ही 7 अगस्त को स्पंदना का अचानक निधन हुआ और ये वाकई विजय के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार को किसी भाषा, किसी के होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिल में किसी के लिए प्यार है तो वो हमेशा रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।